रामा पैकरा ये 16 से हैं। दोनों पहलवान के लिए एक बार ताली बजा कर इनका। अमेठी उत्तर प्रदेश से है क्या संजीव? अमेठी कहाँ, उत्तर प्रदेश या यहाँ अमेठी कहाँ? उत्तर। Yeah.
अभी रायपुर से अगले राउंड की जो कुछ हेलो हेलो भूपेंद्र निषाद ईशान पास से सौरव ईशान सौरव चलिए मैच में चलिए इस कुश्ती के बाद नेक्स्ट पहलवान तैयार रहेंगे भूपेंद्र सारथी राम मांझी ईश्वर आदित्य जोशी हेलो 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 भैया रेड कॉस्ट्यूम में ईशान पहलवान जो अर्जुन है उनको 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है अध्यक्ष सरगुजा कुश्ती संघ विकास पांडे कहां-कहां से कुछ दंगल खेलने आए हैं और कितनी संख्या में आए हैं देखिए नागपंचमी उत्सव पर हर वर्ष हम लोग दंगल कुश्ती प्रतियोगिता कराते हैं इस बार का कुश्ती जो है मिट्टी के कुश्ती की जगह रेसलिंग मैट पे हो रहा है गद्दे पे कुश्ती हो रही है और ज़िले सहित प्रदेश और प्रदेश के बाहर यूपी और झारखंड तक के पहलवान यहाँ पे इस प्रतियोगिता में शामिल होने आए हैं 100 से अधिक जोड़े ने यहाँ पंजीयन कराया है और यह कुश्ती प्रतियोगिता 3 कैटेगरी में होता है सबसे सीनियर में सरगुजा कुश्ती सरगुजा केसरी के लिए खिताब से संघ हमारा सरगुजा कुश्ती संघ सम्मानित करता है इसमें जो विजेता पहलवान रहता है उसको 11,000 रुपये और उप विजेता पहलवान को 5100 रुपये नगद एवं शील्ड से सम्मानित किया जाता है और दूसरा जो जूनियर वर्ग का खिताब हम सरगुजा कुमार के नाम से सम्मानित करते हैं इसमें विजेता पहलवान को 5100 रुपये नगद एवं शील्ड और उप विजेता को 3100 रुपये नगद एवं शील्ड और तीसरा जो मिनी वजन ग्रुप है छोटे में उसमें सरगुजा अभिमन्यु के खिताब से सम्मानित करते हैं और 2100 रुपये और 1100 रुपये साथ में शील्ड के साथ और सभी प्रतिभागी पहलवानों को यहाँ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और यह प्रतियोगिता हम लोग स्थानीय खिलाड़ियों में प्रतिभावान जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको वर्ष भर प्रैक्टिस कराते हैं और उसके बाद हमारे ज़िले ये तो ओपन कुश्ती हो रही है ये लोग राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती में भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं और भाग लेते हैं और सरगुजा और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं